सेम गाता पता नहीं है, कुछ सामने लड़कियां खड़ी हैं, उनका रिएक्शन आ रहा है। इंडिकेटर आ गए क्यों? एबीएस बंद थोड़ी है, वायर थोड़ी निकला हुआ है पीछे वाला है, तो वो स्किड कैसे मार रही है? मैं चेक करके आता हूँ, चाबी रख, मैं चेक करके आ रहा हूँ। कैसी लगी? तो है गाइस, इशू बॉय हनी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? आज मैं जा रहा हूँ फिर से आपके लिए अच्छा सा व्लॉग बनाने और इसमें इंडिकेटर भी इंस्टॉल करवाने, बिकॉज लास्ट टाइम नहीं मिले थे। आज पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो इंस्टॉल करवा लेंगे और आप लोगों के लिए बॉम्स ऑफ व्लॉग भी बनाते हैं। बिकॉज अपना जो सेम है वो जयपुर गया, वो बोल रहा है मैं दोपहर तक आऊँगा, अगर वो आ जाता है तो वो मिल जाएगा, और देखते हैं अगर कोई बंदा होता है, बिकॉज अभी आपका भाई अकेला है, कोई बंदा इतना वो नहीं है यार, इंक्लूड नहीं हो रहा ना कोई राइड पे पर्पस, मतलब मेन तरीके से ना कोई राइड ज्वाइन कर रहा है, कोई कहाँ बिजी है, कोई कहाँ बिजी है, सब अपनी लाइफ में बिजी है और अपन अपनी मोटो व्लॉगिंग में बिजी है। तो अभी टाइम को बिना वेस्ट करे निकलते हैं यहाँ से। आज अपन है ना R15 का फ्लो चेक करते हैं, क्या फ्लो से ये जाती है, क्या फ्लो इसका रहता है। भाई थोड़ा गियर शिफ्टिंग मैं कर रहा हूँ, दो नंबर में कर रहा हूँ इसको, अब देखते हैं। भाई ये देखो थर्ड गियर में 100, मैं बोल रहा था ना आपको, भाई कहां से निकला हूं मैं, 100 की स्पीड में लीन मार रहा हूं, पागल हो गया हूं मैं भाई। थर्ड गियर में 100 जा रही है भाई, ट्यून करवाने के बाद देख रहे हो। Oh my God, मैंने ये पावर कभी चेक नहीं की इसकी। वॉइस ऑफ, लिटरली में फाड़ दिया इसने। Oh my God, थर्ड गियर में 100 जा रही है ये गाड़ी, भाई साहब अमेजिंग, मजा आ गया। सो गाइस, अभी यहाँ पे रुक गए थे शर्मा कैफे पे अपन, और क्योंकि अपना जो जिस बंदे का वेट कर रहा था वो उसको अंदर ही मिलेंगे अपन, बिकॉज अभी एक भाई का और कॉल आया है, अपने भाई है अकरम भाई, तो उसको उसके पास वो है निंजा, जो पुरानी वाली निंजा होती है ना 300, मे बी 300 ही है, तो उसका मॉडिफिकेशन के रिलेटेड कुछ काम है, तो काफ़ी दिन से भाई मेरे को बोल रहा है, मेरे को थोड़ा खुद को टाइम नहीं मिल रहा था, खुद की हेल्थ खराब चल रही थी। देख रहे हो मैं पागल हो रहा हूँ यार, मेरे को पता नहीं आज क्या भूत चढ़ गया इसको भगाने का, इसको भगाए जा रहा हूँ 110 भाई, क्या हो रहा है मुझे। Oh guys, पागल हो गया आपका भाई, लिटरली मैं पागल हो गया हुआ, खुशी मेरी खुशी में बयां नहीं कर सकता यार। चलो भाई नहीं चलते अभी। ओ भाई क्या कर रहा है हनी, तू क्या कर रहा है भाई। आज मैं अकेला ही पागल हो गया हूँ, मेरे को किसी की नीड नहीं है वैसे, पर आज ऐसा फील भी करवा रहा हूँ, मेरे को किसी की नीड नहीं है सच में, अकेला काफ़ी हूँ मैं, अकेला काफ़ी है आपका भाई वैसे भी। कोई चक्कर नहीं है भाई, इन्जॉय करो लाइफ को, लाइफ होती किस लिए, इन्जॉय करने के लिए, बट मेहनत ऐसा लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि मेरा गोल, मेरा नहीं मतलब कोई भी बंदा हो ना उसका गोल होना चाहिए कि हाँ मेरे को लाइफ में ये चीज़ें अचीव करनी है, और हमेशा इंसान के सपने है ना बड़े होने चाहिए, बिकॉज जो बंदे जो सपने देखता है ना वही पूरे करता है, ये भी हकीकत है। तो भाई हम लोगों ने देखे हैं सपने और
और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कुछ सपने ऐसे थे जो पूरे हुए भी हैं और कुछ है इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। यहाँ पे चलान वलान का बहुत तगड़ा सीन हो रखा है यार इन दिनों में। सेम के पापा का चलान काट दिया था यहाँ पे पुलिस वाले ने। पागल है ये लोग पागल। जब यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ है इनको राउंड दे के आना चाहिए। कायदा तो यही कहता है, कायदा और कानून के हिसाब से चलता कौन, अपन ही नहीं चलते भाई। भाई ये 18 हो चुके हैं, अकरम भाई को फ़ोन किया, वो बोल रहे हैं मेरी शॉप पे आ जाओ। सेम का आता पता नहीं है कुछ, सामने लड़कियां खड़ी हैं, उनका रिएक्शन आ रहा है, भाई को देखे जा रही है। हाँ अकरम ने भेजा है, कौन सी दुकान, चलो आ रहा हूँ। अकरम भाई का लड़का है क्या भाई, इतना बड़ा तो बेटा अकरम भाई है। सलाम वालेकुम। चलो A few moments later. तो गाइस अभी पूरा 1.5 घंटा खराब करने के बाद मैं निकल चुका हूँ। भाई ले गया था मुझे इसकी बाइक का कोई, जो इसके पास है निंजा 250 है, मैं देख के आया था वहाँ पे, तो उसका कोई इशू चल रहा है यार, उसमें कोई पार्ट वार्ट चेंज करवाना है इसको, जो R15 V2 आता है ना उसका कोई पार्ट लगता है, तो किसी अपने नॉन के पास V2 है तो उसका पार्ट लगा के चेक किया, वो सक्सेस होता नहीं होता, वहाँ पर पूरा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। अभी निकला हूँ यार, सेम भी बोल रहा है मैं अभी जयपुर से निकला हूँ, उसको भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अभी चल के पहले यार इंडिकेटर के लिए पूछ लेता हूँ, अगर मिल जाते हैं तो फटाफट वो भी लगवा ही लेता हूँ यार। देख के तो घुमाओ, पागल की तरह घुमाते हैं। इंडिकेटर आ गए क्यों? सोमवार को आएंगे, ठीक है मंडे को। आज भी नहीं मिले यार इंडिकेटर, इनके चक्कर में मुझे खज्जल होना ही पड़ रहा है। आर्यन आ चुका है, इतने दिन से बोल रहा था मेरे को गाड़ी देखनी है। तू भी करवाएगा क्या रेप? कब करवा रहा है? कौन सा वही? हा? वही जो पूछा था वही। कब करवा रहा है? अब इसका वेट कर रहा था मैं काफ़ी देर से, बिकॉज और कोई तो है नहीं, सेम यहाँ पे है नहीं, और बंदे सारे बिजी हो रहे हैं, तो अभी चलते हैं हाईवे पे, एक अच्छी सी रेस मार के आते हैं साथ में। चल इधर से जाना है ना पुड़िया पे से, चलो अच्छी सी रेस मार के आते हैं, बस गिर नहीं जाए भाई और मैं भी नहीं ठुक जाऊँगा ही। अरे 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 पप्पी है प्यारा सा कुत्ते का बच्चा। पागल है यार, कहाँ कहाँ से रोड क्रॉस करते हैं। आपको आज इसके लीन दिखाता हूँ भाई, क्योंकि जब मैं मारता हूँ ना मैं तो दिख नहीं पाता। ओए तेरी, अरे ABS बंद कर रखा है क्या इसने? पुलिस वाले बोल रहे रुक जाओ, ठीक है भाई रुक गए। ABS बंद थोड़ी है, वायर थोड़ी निकला हुआ है पीछे वाला है, तो वो स्किट कैसे मार रही है पता नहीं मारा। मारा बहुत, मैं सोचा ABS बंद कर रखा है। दीदी देख रही है भाई। भाई इस गाड़ी को रेडी करवाने के बाद ऐसे रिएक्शन आते हैं लड़कियों के। क्या चक्कर हो रहा है? वायर तो लगा हुआ है यार, वायर तो लगा हुआ है। ये जब तू ब्रेक अभी चलाए ना तो खाली इस ब्रेक को दबा के देखना, ये कटड़ कटड़ करता है क्या, और वापिस फेंकता है क्या, तब पता लगे। अगर कटड़ कटड़ कर रहा है तब तो ABS काम कर रहा है, अगर वो नहीं कर रहा तब वो ABS का कोई इश्यू, प्लेट मुड़ गई है। मैं चेक करके आता हूँ, चाबी रख, मैं चेक करके आ रहा हूँ उसका ABS चेक करते हैं। आप बोल रहे ABS काम नहीं कर रहा। नहीं कर रहा भाई इसका ABS, सच में काम नहीं कर रहा है, स्किट कर रहा है, घूम रही है पूरी। भाई ये क्या चक्कर हो रहा है? और आगे वाला भाई दोनों ही नहीं कर रहे, ये क्या चक्कर हो रहा है? हो भाई दोनों ही काम नहीं कर रहे,
ना आगे वाला ना पीछे वाला, नहीं ये क्या सिस्टम है, कोई सा काम नहीं कर रहा भाई इसका एबीएस, ना आगे वाला ना पीछे वाला। अभी अपन आ चुके हैं कुछ अच्छी हाईवे पे, बिकॉज अंदर से पता है यार अंदर अच्छी हाईवे है नहीं, ये रोड अच्छी है तो इस पर थोड़ी अच्छी सी रेस कर लेंगे, मौसम भी अच्छा हो रहा है और आर्यन आ गए, बिकॉज सोलो तो क्या ही रेस करूँ। चले अभी इधर इस पर चलते हैं, आ जाओ अभी इस पर करते हैं रेस अच्छी सी। भाई सर मैं मिरर भी खोल लेता हूँ, बिकॉज हाईवे पर मिरर खोलना ज़रूरी है यार, पीछे का व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आ जाओ चलो चलो अभी इस पे मारते हैं अच्छी सी रेस, कोशिश तो पूरी रहेगी। लेकिन मैं आगे चला जाऊंगा उसको रिकॉर्ड कौन करेगा, वही तो चक्कर है मेन, इसलिए मैं चाहता हूँ वो आगे जाए फिर मैं उसको पीछे से रिकॉर्ड करूँ। आजा भाई आजा आजा, अब देखना अब मैं आगे चला जाऊंगा कौन रिकॉर्ड करेगा। कहीं भी ब्रेक मार रहा है यार ये, मेरे को खज्जल ना करवा दे सच में, अगर मैं खज्जल हो गया इसके चक्कर में तो मेरे लग जाएंगे। आर्यन पीछे रह गया फिर से यार। भाई मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है भाई लोग। एक सौ तीस के पीछे वाले भाई की हालत खराब हो रखी है भाई। वो कहां से निकला होगा, मैं इतना रिस्क लेने वाला हूं नहीं। मौसम बहुत ठंडा है इधर तो यार, बहुत ज्यादा ठंडा मौसम। किधर जा रहा है वो, एक स्टॉप ही मार दूं? चलो मार ही देता हूं आज। कैसी लगी? अरे मच्छर तो बहुत ज्यादा हो रहे, मौसम देख कितना प्यारा हो रहा है भाई, ठंडी देख मजा आ गया, लेकिन इसकी हालत खराब होगी तेरे पीछे वाले की। ओ भाई गाड़ी हीट भी बहुत ज्यादा। सो गाइस अभी हाईवे से निकल चुके हैं, बिकॉज मौसम बहुत गंदा हो रखा है यार, अच्छा भी हो रखा है एक तरीके से, गंदा भी हो रखा है, बिकॉज कभी भी मौसम बिगड़ सकता है, बारिश आ सकती है। और सैम को अभी कॉल किया, उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वो बोल रहा है मेरे को टाइम लग जाएगा समथिंग एक घंटा। तो अभी यहाँ निकलते हैं यहाँ से, और उम्मीद करते हैं आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलता है ऐसे प्यारे से मस्त से बॉम्ब से ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ मस्त कुछ खाते पीते रहो, ऐसे अपने भाई की वीडियोज पे प्यार बरसाते रहो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने माँ बाप की सेवा करते रहो, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ एंड पीस आउट गाइस।